हेलो फ्रेंड, वेलकम टू उत्तराखंड अचीवर। और आपकी जो केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाओं का, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। वो कौन सा टॉपिक है आपका? कंसंट्रेशन टर्म। लास्ट क्लास में हमने कुछ दो तीन कंसंट्रेशन, एक कंसंट्रेशन टर्म को देखा था, वो था मोल फ्रैक्शन। आज हम उससे आगे जो कंसंट्रेशन टर्म है उनको जानेंगे। सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म होती क्या चीज है? कंसंट्रेशन टर्म मतलब आपको बताना है कि अगर कोई दो चीज मिक्स हो रखी है, अगर कोई दो चीज आपने मिक्स कर दी है, तो उसमें जो हमारा सॉल्यूट है उसका कंसंट्रेशन कितना है किसी सॉल्यूशन में, आपको वो बताना होता है। उसके काफी तरीके थे। आपने एक मोल फ्रैक्शन का तरीका देखा, दूसरा आपने मास बाय मास, अभी मास बाय मास परसेंटेज का देखोगे, तो बहुत सारे तरीके हैं उनको जानते हैं। तो सेकंड था, आपने जो परसों लिखा होगा उसमें सेकंड था आपका मास बाय मास परसेंटेज, या फिर वेट बाय वेट, मास बाय मास परसेंटेज। अब इस मास बाय मास को वेट बाय वेट भी लिख सकते हैं। अब आपको एक और ध्यान रखना है, मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है, तो यहां पे जानेंगे हम लोग मास और वेट का डिफरेंस क्या होता है। द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है? तो सबसे पहले मास की यूनिट देखते हैं, मास की यूनिट क्या होती है। तो मास की यूनिट आपने पढ़ी है, जो सात हमारे पास प्राइमरी यूनिट है उसकी फर्स्ट जो आपने दे रखा है वो है मास के बारे में। तो मास की यूनिट होती है केजी, और मास को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं छोटे वाले एम से। वही जो वेट की यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। अब वो न्यूटन क्यों होती है, आप देख सकते हो वेट बराबर मास इंटू जी। क्या होती है? वेट बराबर मास इंटू जी, मतलब ये क्या है आपके पास? ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 होती है, और ये हर जगह चेंज होती रहती है, आप जानते हो। एक होता है जी, एक होता है लार्ज जी वाला, मतलब कैपिटल जी। तो जो जी होता है कैपिटल जी, ये है यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये कभी चेंज हो रही नहीं, ये कभी बदलता नहीं है, जो इसकी वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, ये क्या रहती है? हमेशा फिक्स रहती है। वही जो क्या होती है स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। अब जो ये मास होता है आपका, ये कभी चेंज नहीं होगा। जो ये मास होगा ये कभी भी चेंज नहीं होगा। आप कहीं भी चले जाओ, आप अगर यहाँ पे हो, आप मून में चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो कई बार एग्जामिनर क्या करता है, घुमाता है क्वेश्चन और कहता है कि आपका मास अर्थ पे कितना है? आपका मास अर्थ पे 60 है, और मून पे आपका मास कितना होगा? तो कई बार क्या कर लेते हैं हम लोग, 60 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/6 से। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मास होता है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, ये ध्यान रखना। अब जो डब्ल्यू है हमारा वो चेंज होता रहता है। चेंज होता रहता है मतलब अगर यहाँ पे अगर आप अर्थ की ही बात करो तो अर्थ पे भी क्या होता रहता है? डब्ल्यू चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि जो हमारा वेट होता है वो स्पेशली किस पे डिपेंड कर रहा है? आपकी ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। और जो ये ग्रेविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? हमारी रेडियस पे डिपेंड करती है। ये हमारा अर्थ कुछ इलेप्टिकल शेप का है, तो जो ये डिस्टेंस होती है, आपने ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो आपका वेट भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जी होता है, जी बराबर होता है जी एम ओवर आर स्क्वायर। तो जो ये आर है आपका, वो आर क्या है? आपका आर है ये डिस्टेंस। तो जहां पे ये डिस्टेंस कम होगी वहां पे आपका जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और जी जहां पे मैक्सिमम होगा वेट वहां पे क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो जी मैक्सिमम कहाँ पे होगा? आपके पोल पे ज्यादा होगा। तो पोल पे आपका वेट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। जो ध्रुव होते हैं वो उसमें क्या होता है? आपका वेट जो होगा, आपका भार क्या होगा, वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारा डब्ल्यू है किस पे डिपेंड करता है? जी पे डिपेंड करता है। और हमारा जी किस पे डिपेंड करता है? रेडियस। किसकी रेडियस पे? आर, जो ये रेडियस है उस पे डिपेंड करता है। रेडियस मतलब ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अगर ये हम क्या बोल रहे हैं, ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, तो जो हमारा डब्ल्यू है वो इस प्रकार से चेंज होता रहेगा। ये किसके बारे में था? मास और वेट का जो आपका डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में था। अब हम देख रहे थे मास बाई मास परसेंटेज का टॉपिक देख रहे थे। तो मास बाई मास परसेंटेज होती क्या चीज है? मास बाई मास परसेंटेज मतलब इसका फॉर्मूला है आपके पास, मास परसेंटेज कुछ ऐसे डिनोट कर दो, और मास परसेंटेज का आपके पास जो है वो है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन।
आपके पास जो सॉल्यूट होगा उसका मास, अब परसेंटेज की बात हुई है तो परसेंटेज मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट, आपको पता है जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो आप दो चीज का मिक्स करते हो, है ना। वो दो चीज क्या होती है, जो कम अमाउंट में होगी उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट कहते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में होगी उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। और तब जाके हमारा क्या बनता है, तब जाके हमारा बनता है सॉल्यूशन। जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिक्स करके क्या बनाएंगे, आपके सॉल्यूशन बनाएंगे। अब आपको कैसे पता कर चलो चलेगा कि हमारे पास जो कौन सी चीज सॉल्यूट है, कौन सी चीज सॉल्वेंट है, तो ये चीज पता चलती है, हमको बोला जाता है कि अमाउंट के हिसाब से, है ना, अमाउंट के हिसाब से पता चलेगा। तो कभी ग्राम का अमाउंट नहीं देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम अमाउंट देखते हैं किसका, मोल्स का, जिसके नंबर ऑफ मोल्स, जिसके नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको याद है क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, लेस इन नंबर होंगे, कम होंगे, वो क्या होता है आपका, वो होता है सॉल्यूट। और जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, वो क्या होगा आपका, सॉल्वेंट होगा। ये ध्यान रखना, इसका एक एग्जांपल देखते हैं, फिर मास बाय, ये जो मास परसेंटेज है उसका क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग कि हम किसको कहेंगे कि सॉल्यूट है, किसको कहेंगे कि सॉल्वेंट है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ आपके पास 40 ग्राम NaOH है प्लस 54 ग्राम H2O है, तो आप इसमें ये बताओ कि इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, इसमें सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, आप ये बताओ। तो इसको कैसे बताओगे, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमको क्या निकालने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं। तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा है, कौन यहाँ पे सॉल्यूट बनेगा और कौन यहाँ पे सॉल्वेंट बनेगा। तो सबसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, क्या फिर मोलर मास उसको ही कहते हैं। तो गिवन मास कितना है 40। अब NaOH का निकालना आपको बताया था कैसे निकालते हैं, 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 40। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1। और वही इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है। अब इसके निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला भी वही लगेगा, 54 गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास होता है 18, 16 प्लस 2 18, तो ये हो जाएगा 3। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 3 आ गए। तो यहाँ पे आपको पता चल गया किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है आपके H2O के। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन बनेगा, सॉल्वेंट बनेगा H2O और सॉल्यूट बनेगा 1। तो ये हमेशा ध्यान रखना, हमारे जो वाटर है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं, मतलब हर चीज में घुल जाती है, ज्यादातर चीजें क्या हो जाती है, तो घुल जाती है। तो याद रखना, ये हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्या कर सकता है वो वाटर के मोल्स को कम कर दे, क्योंकि हमने याद किया हुआ है कि वाटर क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो हमेशा वाटर ही आंसर आएगा। तो वाटर के मोल्स को वो कम भी कर सकता है, और जो हमारे दूसरा सबस्टांस मिला है उसके मोल्स को ज्यादा कर देगा। तो जिसके मोल्स ज्यादा होते हैं वो क्या होता है हमारे पास, सॉल्वेंट होता है। इस बात को ध्यान रखना। ये तो समझ में आ गया सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, उसके बाद क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब हम ये जानेंगे कि मास बाय मास परसेंटेज कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को, 10 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व्ड किया, 10 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया किसमें, 100 ग्राम वाटर में, तो बताओ मास बाय मास परसेंटेज क्या होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास कि 10 ग्राम जो ग्लूकोज है उसको डिसॉल्व किया है 100 ग्राम H2O में, तो मास बाय मास परसेंटेज कितना होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कैसे, क्या कहा है, 10 ग्राम ग्लूकोज है आपके पास, उसको डिसॉल्व किया 100 ग्राम H2O में, तो मास बाय मास परसेंटेज आपको निकालना है। तो हमारे पास ये है क्या क्वेश्चन में, मतलब जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मास परसेंटेज दे रखा है हमको, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है, तो कितना है सॉल्यूट का मास, 10। वही सॉल्यूशन का मास कितना है, अब सॉल्यूशन क्या होता है, हमने देखा था सॉल्यूट को भी प्लस करोगे और सॉल्वेंट को भी प्लस करोगे, तो किसमें डिसॉल्व किया आपने, ये 100 ग्राम H2O में, मतलब यहाँ नीचे क्या क्या आएगा, C6H12O6, यहाँ नीचे तो दोनों चीज आएंगी, वाटर भी आएगा और H2O भी आएगा, क्योंकि बात किसकी कही गई है, सॉल्यूशन की कही गई है। अब यहाँ पे क्या आएगा, 10 अपॉन C6H12O6, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये कितना मिला रखा है आपने, 10 ग्राम प्लस,
H2O कितना ग्राम रखा है? 100 ग्राम। अब मल्टीप्लाई बाय 100, ये कभी भूलना मत, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। अभी कितना हो गया? 110 अपॉन 110 इंटू 100। तो इसका आपको याद होना चाहिए, आपने जब परसेंटेज वाले चैप्टर पढ़े होंगे मतलब मैथ्स में, तो उसमें क्या निकलता है? ये निकलता है 9.09%। 1/11 हमेशा किसमें निकलता है? 909 में निकलता है। ये तरीका था आपको किस करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास मास बाय वे, मास बाय वॉल्यूम, मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना होगा नीचे। इसका क्वेश्चन करते हैं, करते हैं हम लोग वेट बाय वॉल्यूम या फिर मास बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम दूसरा आपके पास, आप मास भी लिख सकते हो, वेट भी लिख सकते हो। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट निकालना है आपको। अब जहां से पता चल रहा है आपको ऊपर भी वेट होगा नीचे वॉल्यूम होगा, तो यहां से इसका फॉर्मूला बनता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हमें ये नहीं भूलना है कि हमको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि 3 ग्राम सुगर को डिसॉल्व किया है 100 ml सॉल्यूशन में, किसमें किया है? 100 ml सॉल्यूशन में डाला है। तो याद रखना यहां पे बात क्या करी गई है, 3 ग्राम सॉल्यूशन को, 3 ग्राम सुगर को डिसॉल्व किया है 100 ml सॉल्यूशन में। तो आपको बताना है इसका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कितना होगा। एक तरीका तो इससे बनता है क्वेश्चन, ये तो आप आराम से निकाल दोगे। दूसरे तरीका का क्वेश्चन क्या बनता है, आपको डेंसिटी दी जाती है, जो घनत्व है वो आपको दिया जाता है और आपको वहां से चीजें निकालनी होती है। तो इसके तरीके से कैसे करोगे, यहाँ पे इसने सॉल्यूशन खुद ही बोल दिया है, ये सॉल्यूशन है, मतलब जो ये 3 ग्राम है ये इसी के अंदर आ रहा होगा। तो आप सिंपल सा फॉर्मूले में रख दोगे 3 अपॉन 100 इंटू 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 3% हमारे पास उसके अंदर सुगर प्रेजेंट होगी। ये हो गया। अब यहाँ पे डेंसिटी वाला एक क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बना हुआ है, क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास जो सुगर है, कि सॉल्यूशन में जो सुगर है वो कितनी आपके पास 10% है वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से। किसके हिसाब से? वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से। और जो आपको घनत्व या डेंसिटी दे रखी है उस सॉल्यूशन की, उस डेंसिटी मतलब डेंसिटी दे रखी है उस सॉल्यूशन की, कितनी दे रखी है आपको? 1.25 ग्राम पर ml, ये आपको डेंसिटी दे रखी है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है मास बाय मास परसेंट। आपको क्या फाइंड करना है? मास बाय मास परसेंट को फाइंड आउट करना है। अब ये क्वेश्चन क्या है, दोनों का मिक्सअप हो गया। आपने ये वाला क्वेश्चन किया था, वो पहले वाला क्वेश्चन किया, तो उन दोनों का मिक्सअप ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो आप इसको कैसे करोगे, यहाँ पे से आपको ये पता चल रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ ऊपर क्या लिखा है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सुगर है यहाँ पे। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, जो हम लोग सुगर खाते हैं ना, जो सुगर क्या होती है, जो क्रिस्टल रूप में हमारे पास आती है, या फिर कोई स्केन सुगर होती है जो हम यूज करते हैं, उसमें होती है सुक्रोज। कौन सी होती है वो? सुक्रोज होती है। जो फलों से मिलता है वो कौन सी होती है हमारे पास? जो फलों से मिलता है वो होती है फ्रुक्टोज। वही जो मिल्क से मिलता है उसको बोलते हैं गैलेक्टोज। और ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे आपके पास? कार्बोहाइड्रेट के अंदर पड़ते हुए, आपने बायो क्लास में देखे। अब इसके बाद हम लोग कर रहे थे कि जो सुगर है, सुगर कितनी परसेंट है? 10। तो इसको 10 को कैसे लिखेंगे हम लोग? 10/100। अब द वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है, तो वेट बाय वॉल्यूम मतलब ऊपर क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब 10 क्या है आपके पास? मास ऑफ सॉल्यूट है। वही 100 क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब आपके पास सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है। तो यहाँ पे रखना कि सॉल्यूशन जो बन रहा है सुगर का बन रहा है प्लस H2O का बन रहा है, इन दो चीज का सॉल्यूशन बन रहा है। तो यहाँ पे अगर 10 ग्राम मतलब जो 10 है वो क्या है आपके पास? सुगर है। तो 90 क्या होगा आपके पास? 90 क्या होगा आपके पास? 90 होगा आपके पास वाटर। ये तो 90 H2O आ गया, ये क्या आ जाएगा आपके पास? जो आपके पास सुगर है। अब ये किसके बारे में था? ये तो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम लोगों को उसकी हेल्प से, हमारे पास तो ये दोनों चीजें किसमें आएंगी? ml में आएंगी, है ना। ml में क्यों आएंगी हमारे पास? क्योंकि ये वॉल्यूम के बारे में बात हो रहा था। अब उस ml को चेंज करना है आपको ग्राम में, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वेट बाय वेट का, वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय वेट का फॉर्मूला होता है आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन।
आपको सॉल्यूशन का मास निकालना होता है, ये होता है आपके पास। अब यहां से पहले आप क्या निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे। अब मास ऑफ सॉल्यूशन किसकी हेल्प से निकालते हैं, अब देखो जो रो होता है हमारे पास, रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। अब रो, रो की वैल्यू रखो यहाँ पे, क्या है रो की वैल्यू 1.25। अब यहाँ पे मास की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, हमको किसका मास चाहिए था, मास ऑफ सॉल्यूशन का चाहिए था, और यहाँ पे भी हमको क्या दे रखा है 100, क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन ही है, मतलब यहाँ पे हमको इस चीज की जरूरत नहीं है। पर कभी भी आप दूसरा क्वेश्चन कभी करोगे तो वहां पे हम ऐसे करके निकालते हैं। अगर वहां पे वो बोलता है मास ऑफ सॉल्यूट सिर्फ, अगर बाय द वे क्वेश्चन में ऐसा होता मास ऑफ सॉल्यूट होता अगर हमारे पास फॉर्मूले में, तो हम 90 रखते हैं यहाँ पे मास की जगह पे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्या आ जाएगा, मास क्या, मास को फाइंड आउट करना है हम लोगों को, और ये कितना था आपके पास 100 था, इसको मल्टीप्लाई करो इधर, तो ये कितना आ गया 125 ग्राम आ गया आपका मास। तो जो मास ऑफ सॉल्यूशन है आपके पास वो कितना आ गया 125 ग्राम आ गया। अब उस 125 ग्राम को आप यहाँ पे पुट करोगे आपका आंसर आएगा। तो एक बार करके देखते हैं क्या होगा इसके आगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ इसके आगे ये है, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपके पास, अभी निकला था 10 ग्राम, वहीं पे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकला 125 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100, ये 100 कभी मत भूलना। अब हम लोगों को यहाँ पे से सॉल्व करना है, 25 4 जा और 25 5 जा, कितना हमें पता है 5 1 जा 5 2 जा, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा आपके पास 8% आ जाएगा। आंसर कितना आ गया आपका 8% आ गया। अब जानेंगे हम जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपके पास, वो है मोलैरिटी, ठीक है। क्या है मोलैरिटी, क्या है मोलैरिटी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ये जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पे आपके पास नया कॉन्सेप्ट आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, पीछे क्या पढ़ रहे थे आप मास पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है मोल्स पढ़ दिया, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब एक लीटर सॉल्यूशन में आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कौन बताएगा आपको, मोलैरिटी बताएगी। क्या बोला गया है, एक लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, किसके नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के, वो कौन बताता है, वो बताता है आपकी मोलैरिटी। अब हम एक मोलैरिटी का क्वेश्चन करके देखते हैं कि मोलैरिटी करते हैं सॉल्व कैसे करी जाएगी। तो आपको ये है, अगर क्वेश्चन हम ये मान के चलते हैं क्या है, 40 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन 250 ml सॉल्यूशन, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है m, फाइंड आउट m, तो आप सिंपल हो जाएगा, आपको नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहली बात यह है आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे सॉल्यूट के। अब जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो 250 ml वाटर सॉल्यूशन, मतलब इसमें वाटर में मिलाया हमने, ये सोच के चलो, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको पता है कैसे करके करते हैं, कि हमारे पास गिवन मास होता है अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो अभी आपको पता है 40 ग्राम NaOH के कितने नंबर ऑफ मोल्स आ रहे थे, 1 आ रहे थे, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अभी जस्ट इससे पहले हमने किया है कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कैसे करते हैं, वहां पे भी क्या लिया था ग्राम, मैंने 40 ही ग्राम लिया था। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो ये ध्यान रखना किसमें होता है, इसमें लीटर में होता है, तो यहाँ पे तो ml में दे दिया है अपॉन 250 ml है, तो ml को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, या तो आप अपॉन 1000 कर दो या फिर मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 25 25 25 4 100, तो ये आ जाएगा आपका 4, पर साइन आ जाएगा m का। तो ये क्या था आपके पास, किसके बारे में था, ये हाउ वी फाइंड द मोलैरिटी, हम मोलैरिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे मोलालिटी, क्या है नेक्स्ट मोलालिटी, अब हम जानेंगे मोलालिटी के बारे में, किसके बारे में मोलालिटी, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। हाँ एक और बात ध्यान रखना, जो मोलैरिटी होती है मोलैरिटी की इक्वेशन होती है m1 v1 = m2 v2, ये किसकी है मोलैरिटी की।
तो ये इसकी क्या एक क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। अब मोलालिटी क्या होती है, जैसे आपने मोलैरिटी पढ़ा वैसे ही क्या है आपकी मोलालिटी भी है। जैसे कि इसमें फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसमें हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ केजी में कन्वर्ट करना है। तो ये था आपके पास जो आपके पास कंसंट्रेशन टर्म थे उनके बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसकी जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट बुलेट है आपके पास सिलेबस का, उसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।